ओके मैं आता हूँ। स्टार्टिंग से शुरू कर दे। आपने ये बताना है कि थर्ड जी का आगाज कैसे हुआ? इस सब का आगाज 2015 में हुआ। ये देखो हमारे ग्रेजुएशन की तस्वीरें। 4 साल हम लोगों ने ये पेपर हासिल करने के लिए लगा दिए, फिर भी 3 महीने से अखबार में। मैं भी ऑलमोस्ट 20 इंटरव्यूज दे चुका हूँ लेकिन अभी तक किसी कॉल नहीं आई। साइड पे आइए। कैसे कैसी हो यार? मुझे वो याद आया, मैंने तुमसे वो लेनी थी फ्लैश जिसमें हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था। कोडेक फाइल थी। हाँ वो पड़ी है, मेरी गाड़ी में है। ऐसा करो तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। और क्या ऑर्डर किया? चाय मंगवाई। यार एक मसला हो गया है, गाड़ी की अभी गाड़ी में ही रहेगी। जैन कितनी बार बोला ध्यान रखो। ऐसा ना ले यार, वो मेरा दोस्त है, इस तरह का काम करता है, मैं उसको कॉल करता हूँ, कर देगा काम। ठीक है। उस दिन रात को 11 बजे ताहा की कॉल है कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ, इतनी रात को क्यों बुलाया? आओ बैठो, उससे बात करनी है। यार मैं सुनने वाला था। यार सुनो, मेरे बुलाने की वजह यह है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जिससे हमें नौकरियाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा आइडिया? जिस तरह तेरी गाड़ी की चाबी आ जाएगी मेरे गाड़ी में, उसकी गाड़ी की चाबी, इसी तरह काफ़ी लोगों की गाड़ी की चाबी रह जाती है गाड़ी। लोग उसे इंस्टॉल कर। हाँ लेकिन एक अच्छे स्टार्टअप के लिए सर्वर सिस्टम चाहिए, वेब डोमेन चाहिए, एसएम हैंडलर चाहिए, एक मैनेजर चाहिए, कैसे होगा ये सब कुछ? उसकी तुम टेंशन ना लो, मेरा एक दोस्त है वो सॉफ्टवेयर हाउस में, ठीक है, उससे हम हेल्प ले लेंगे। काम आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और बंदे भी रखते हैं। क्या ख्याल है? तो आपको ऐप बनाने में कितना टाइम लगा? सर हम लोगों ने 1 महीने में तो बना ली थी लेकिन उसको रजिस्टर करवाने में 5 महीने लग गए। ओ यस यस यस, हमारी ऐप रजिस्टर हो गई है, अब हम अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हैं। नहीं यार। यस मैडम। गूगल के 2 वीक्स में लोगों ने 10,000 डाउनलोड्स का माइलस्टोन क्रॉस कर। ज़ैन देखो देखो, बीआरवाई डिजिटल से मेल आई है। हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो। हाय आई एम फहीम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ बीआरवाई डिजिटल टेलीविजन नेटवर्क। होस्ट रिदा यासिर वुड लाइक यू टू इनवाइट टू द शो। क्या ख्याल है? रेडी हो? रुको मैं ताऊ को कॉल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फौदीना हजरात, मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा नासिर और खुशामदीद। आज के शो के जो हमारे गेस्ट हैं वो है पाकिस्तान के सबसे मशहूर ऐप क्रिएटर्स। अगर आपके पास मोबाइल है या आपके पास गाड़ी है तो आपके पास ज़रूर वो ऐप होगा मोबाइल में, या फिर आप उनको सोशल मीडिया से ज़रूर जानते होंगे। लेट्स वेलकम टीम 13। अस्सलामुअलैकुम, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए और हम सब की मुश्किलात आसान करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा ईशा से है। ईशा, लड़कियां जो हैं वो या तो डॉक्टर बनती हैं या तो टीचिंग करती हैं पाकिस्तान में, तो आपका क्या सॉफ्टवेयर से किधर से आप? मैंने अच्छा देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करती हैं लड़कियां, मगर फिर वो ऐप क्रिएशन की तरफ नहीं आती, उस तरह से जॉब की तरफ नहीं आती, तो ये क्या इत्तेफाक है, ये क्या माजरा है, आप सुनाएंगे मुझे? जी जी, आई एम ग्लैड कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। सबसे पहले तो मेरे पहला का बहुत बड़ा एहसान है
कि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं और मैं बाकी पेरेंट्स को भी ये रिकमेंड करूँगी कि अपनी बेटियों को सीएस कंप्यूटर की फील्ड में आने दें, क्योंकि सीएस इज़ एन इमर्जिंग फील्ड और अगर वो इसमें तरक्की करेंगी तो इसी तरह हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कायद आजम ने कहा था कि जब तक औरतें और मर्द शाना बशाना नहीं चलते तो तरक्की नहीं हो सकती। मुझे ये बताओ आप सब में से आइडिया किसका था? ये बेसिकली आइडिया हमारे दोस्त ताहा का था। ग्रेट यार, मतलब बहुत ही जीनियस दोस्त रखा है आपने। तो कैसे दोस्त बने हो, कहाँ पे पढ़ा है, कुछ अपने बारे में ऑडियंस को बताओ। हमने जो है ग्रेजुएशन साथ की थी तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम दोस्त बने थे तो अब तक ये दोस्ती हमारी चल रही है। अच्छा यार मुझे ऑनेस्टली बताओ तुम सब में सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है आप पे? बस सबके सबसे ज़्यादा जो एफर्ट थी इस लड़के की थी, जैन की, और बाकी मिलके हमने कामयाब किया है सब को। गुज़िश्ता कुछ रोज़ से अवाम में एक नई मोबाइल ऐप बहुत मकबूल हो रही है। यह ऐप इस्लामाबाद के रहायशी ताहा, ईशा और जैन ने बनाई है। इस ऐप के जरिए आप अपनी गाड़ी को अपने इख्तियार में चाबी के बगैर भी कर सकते हैं। 2018 के शुरू में ही हमने अपनी ऐप की प्रीमियम फीचर लॉन्च की और उसका डाउनलोड 3 मिलियन क्रॉस कर चुका था। 2018 में पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन था और इलेक्शन से एक महीना पहले मुझे 9 नंबर से कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम। जी आप ताहा बात कर रहे हैं थर्ड जी? और मैं फिर उसने हमें एक ऑफर दी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये हम लोगों को लालच दे रहे हैं और भाई ये हमारा डाटा इलीगल वोटिंग में इस्तेमाल करेंगे। ओ यार जैन, तुझे हर वक्त पड़ी रहती है कुछ ब्रो आ जाएगा। हाँ यार बैठी जी ना छोड़ो। डर वर की बात नहीं है, एथिकली ये बात अनएक्सेप्टेबल है और ये डायरेक्ट पंगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बड़े रिस्क लेने होते हैं, उसके बगैर कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी और हम भी कुछ टाइम में गुमनाम हो जाएंगे। यार तू वो छोड़, ये देख हम अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं और तुझे कैसे पता वो गलत इंफॉर्मेशन यूज करेगा। करो जो तुम लोगों ने करना है। अल्लाह हाफिज। क्या आपने यूजर डेटा शेयर किया? शुरू में हमने जैन को बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने और ईशा ने एक प्लान बनाया। क्या इतना जरूरी काम था जो इतनी जल्दी बुला लिया? यार तुमने मेरी ना एक चीज़ में हेल्प करनी है। कौन से काम में है, कैसी है? यार जैन कह रहा है कि अगर वो काम करना है ना वो वाला तो उसे निकाल दो, लेकिन अगर उसे निकाल दिया तो इतना स्किलफुल और एक्सपीरियंस बंदा कहाँ मिलता है। अच्छा क्या करना है? ना अब मैं सिस्टम ड्राइव में से ना डाटा कॉपी करूँगा और क्लाइंट्स के साथ शेयर करूँगा, ठीक है? इसका प्रॉफिट हम 50-50 करेंगे, ठीक है? और तुम्हारा बस ये काम है कि तुमने ना जैन की इंटेंशन इस तरफ नहीं आने देनी, ठीक है? ये लोग मेरे नाक के नीचे से लोगों का प्राइवेट डाटा लीक करते और इसके बदले एक हैवी अमाउंट रिसीव करते। ये डाटा ये अपनी एडवर्टाइजमेंट, इलेक्शन कैंपेन्स और पता नहीं क्या क्या करने के लिए इस्तेमाल करते। तो आपको इस बारे में कैसे पता चला? मुझे इनकी बातों पर शक होने लगा था इसलिए मैंने एक स्पाई कैम और एक की कवर सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया था। हमने 10 महीने तक जैन को कुछ भी नहीं पता लगने दिया लेकिन एक दिन वो शाबाश। तो ये है वो कारनामे जो तुम मुझसे एक साल से छुपा रहे हो। शर्म नहीं है लोगों की प्राइवेसी के साथ खेलते हुए? हमने तो कोई डाटा वगैरह लीक नहीं किया। नहीं एक मिनट रुको, हमने किया क्या कर लिया? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास सारा एविडेंस है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और तुम दोनों को जेल भेजने के लिए। ये कहकर मैं घर चला आया और एविडेंस कंपाइल किए। तो क्या आपने वो एविडेंस साइबर क्राइम सेल को भेजा? उस दिन मैं बहुत थका हुआ था, मैंने कंपाइल करके रख दिया और सुबह सबमिट करवाने का सोचा।
हेलो सर, हेलो हेलो, कॉल ना काटिए यार, मेरी बात सुन। ईशा कुछ हो गया यार, कुछ कर ले यार, वो अब तो इस टाइम ना एम्बुलेंस मिलेगी ना टैक्सी मिलेगी यार, आखिरी फेवर कर दे यार, उसको हॉस्पिटल लेके जा दे। ओके मैं आता हूँ। इधर है ईशा। ईशा तो इधर ही है लेकिन अब तो ज़्यादा देर। क्या हो गया भाई, देख कहा तू सीरियस हो रहा है, बैठ के बात कर ले। बस वो तो गया शर्म नहीं आती अपनी ही नी मेट को मारते हुए जिसने तुम्हारी हर तरह से मदद की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस लालच में आके मैंने अपने दोस्त और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मुझे वाकई पता चला कि लालच वाकई बुरी बला है। और आपको बड़ी खबर देते चलें कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मशहूर कंपनी थर्ड की को सारिफीन की ज़ाती मालूमात फरोख करने के जुर्म में पीटीए की जानिब से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जबकि कंपनी के मालिक ताहा काजमी को साथी ईशा को कत्ल करने के जुर्म में अदालत की जानिब से सजाए मौत और मुलजिम जैनुल आबदीन को अदालत की जानिब से बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया।